नमस्कार, सांझे समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और सबसे पहले आपको दमोह से आ रही बड़ी खबर बताते हैं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की तस्वीर निकलकर सामने आई है। एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की ऐसी लापरवाही, जहां गर्भवती को एम्बुलेंस नहीं मिली, ठेले पर लेकर पति अस्पताल पहुंचा है गर्भवती को, अस्पताल में स्टाफ भी नहीं मिला, गर्भवती को हटा रेफर किया गया। ये बदहाली की तस्वीर, ये खबर जो निकलकर सामने आई है, जहां एक गर्भवती महिला पहले तो अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, और स्थिति देखिए कि जब हम चांद पर जाने की बात करते हैं, तमाम बड़े बड़े विज्ञान की बात करते हैं, उस दिन भी उस दौर में भी भारत की स्थिति और कुछ ऐसी तस्वीर जो ये बता रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी कई जगहों पर बदहाल है। देखिए जरा कैसे एक पति अपनी गर्भवती महिला को ठेले पर ले जाने को मजबूर है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जब अस्पताल पहुंचा तो वहां पर भी स्टाफ नहीं मिला, जिसके चलते गर्भवती को हटा रेफर किया गया। पहले एम्बुलेंस नहीं और फिर अस्पताल में स्टाफ नहीं। स्वास्थ्य विभाग की ऐसी लापरवाही जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। हर बार दावे होते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की लाख बातें होती हैं, लेकिन इन सब के बीच में हकीकत क्या है, ये आप इन तस्वीरों के जरिए से अंदाजा लगा सकते हैं। दमोह की यह तस्वीर है जहां पर एक पति को अपनी गर्भवती पत्नी को ठेले पर ले जाने को मजबूर होना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि अस्पताल से कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची, कोई एम्बुलेंस उस तक पहुंची ही नहीं। अब किसी तरीके से ठेले पर लेकर वो अस्पताल पहुंचा तो वहां पर स्टाफ ही नहीं था। अब गर्भवती को हटा रेफर किया गया है। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, स्वास्थ्य विभाग की ये लापरवाही की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वाकई चिंताजनक। फिलहाल सबसे पहले गर्भवती महिला की स्थिति कैसी है? हटा रेफर किया गया तो वहां कैसे ले जाया गया? क्या एम्बुलेंस तब मिली कि तब भी नहीं मिली? मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा मामला रहने से सामने आया, जहां पर गर्भवती महिला को हाथ ठेले पे लिटाकर ले जाया गया है, जिसके बाद ये तस्वीर जैसे ही वीडियो वायरल हुआ है, तो इस वक्त तमाम से स्वास्थ्य विभाग उसकी पोल खुल गई है, क्योंकि वो लगातार फोन लगाते रहे, जननी एक्सप्रेस को बुलाते रहे, लेकिन जननी एक्सप्रेस नहीं पहुंची, जिसके चलते एक के बाद एक तकलीफों का जो शुरू होना था वो शुरू हो गया। उसके बाद जैसे तैसे उसे ले जाया गया रहने स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन वहां पर स्टाफ नहीं था, जिसके बाद उसे जैसे तैसे हटा लाया गया, लेकिन हटा में भी सुविधाएं नहीं थी, जिसके बाद उसे दमो रेफर कर दिया गया। अब उसकी जिंदगी और मौत पर बनवाई है, यहाँ पर इलाज जारी है, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि जो गर्भवती महिला है उसकी जान बच पाएगी या नहीं, क्योंकि काफी समय हो गया, ब्लीडिंग अधिक हो गई है। और यहाँ स्वास्थ्य विभाग का यही हाल है, आज बीजेपी के लोग भी जिला अस्पताल पहुंचे थे, यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का जो है वो किसी प्रकार की नहीं थी, जिसके चलते उनके द्वारा जमकर यहाँ पर अधिकारियों को फटकार लगाई गई कि ऐसा नहीं चलेगा, शिवराज सरकार करोड़ों रुपए यहाँ पर सरकार मुहैया करा रही है अस्पतालों को, लेकिन यहाँ किसी प्रकार की आरोग्यम की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, क्या ये अस्पताल है? और इस अस्पताल में, अगर ये अस्पताल है, सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करोड़ों की लागत से, जनता के पैसे से खड़ा हुआ ये बिल्डिंग नुमा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर स्टाफ कहाँ था? क्या कोई स्टाफ नहीं है वहां पर? जी मैं आपको बता दी है, स्टाफ तो पदस्थ है, लेकिन केवल सैलरी लेने के लिए आता है, कोई कार्य यहाँ पर जब भी कोई मरीज पहुंचता है तो उसे रेफर कर दिया जाता है कि आप हटा दिखा लीजिए, हटा में यही आलम है कि डॉक्टर नहीं मिलते, उन्हें दमो रेफर कर दिया जाता है। जिला मुख्यालय पर कुछ डॉक्टर होते हैं, इलाज तो मिलता है, लेकिन पर्याप्त सुविधाएं यहाँ भी नहीं है। आज बीजेपी जिलाध्यक्ष को भी काफी गुस्सा है, जब उनके द्वारा यहाँ पर एक कार्यकर्ता को देखने पहुंचे थे, जिला अस्पताल में भी चारों ओर गंदगी थी, काफी हंगामा जिला अस्पताल में थी। शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए, लेकिन वाकई ये हैरान करने वाला मामला और स्थिति। आप देखिए जरा जो हमारे सहयोगी संजय बता रहे थे कि स्थिति ऐसी हो गई है कि महिला की हालत गंभीर हो गई है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे अस्पताल ले जाते अब महिला की जान पर बनाई है। तो एक तरफ आपने ऐसी तस्वीर देखी जहां पर ना एम्बुलेंस मिली और ना अस्पताल में स्टाफ मिला। अब सतना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की वो तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां डॉक्टर की मनमानी चरम पर है।